हेलो फ्रेंड्स मैं अमित कौर से जुप्टर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से मेरे साथ है पुनीत हरियाणा से और पुनीत का वीजा आया है ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा पुनीत यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल में मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी के लिए जा रहा है जुलाई डे के लिए आया एक्सटेंशन और अगले हफ्ते पुनीत फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया जा रहा है पुनीत बहुत बहुत लोवार तो सारी कहानी पुनीत ने क्या किया हुआ है क्या प्रोफाइल है कैसे यहाँ पहुंचा क्या पूरी स्टोरी में चाहता हूँ पूरी आप बताओ ऑडियंस को सर uh, एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ कुरुक्षेत्र हरियाणा से सो so, मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी थी 2023 में hmm. Uh, जो कि मेरी थी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस सर उसमें स्कोर था मेरा 84.3 परसेंट एंड मैंने अपनी पीटी करी थी uh, 2023 में uh, uh, अगस्त में उसमें मेरा ओवरऑल स्कोर था 69 तो सर अकेडमिक्स अच्छे थे पी स्कोर अच्छा था और फंड्स uh, वगैरह भी सही थे तो फिर सोचा पहले अम्बाड़ा क्योंकि अम्बाड़ा के अंदर आप जानते हो काफी अच्छे वो हैं एजेंट्स तो उनके पास गए उनसे कंसल्टेंसी की कि ये यूनिवर्सिटीज है तो फिर बाद में वो लोग बोलते कि आपका हो जाएगा बट देन कुछ इश्यूज आए तो वहाँ पे वो मतलब बात नहीं अच्छा देन हमने कुरुक्षेत्र ट्राई किया अगेन सेम प्रॉब्लम सर हम दिल्ली दिल्ली गए में उन्होंने मेरे uh, डाला ग्रुप एट यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में नहीं सर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अच्छा सर uh, वहां से ऑफर निकल गया था बट वही जब उन्होंने अपने जीटी टी की तो उसके अंदर कुछ इश्यूज थे जो उन्होंने मुझे पहले क्लियर नहीं किए थे हुँ. कि इस टाइप से आपकी जी टी होगी ना उन्होंने कोई प्रिपरेशन कराई थी मेरी ना मुझे बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो जितनी प्रिपरेशन थी वो मेरी खुद की थी देन वहां से उन्होंने मेरी जी रिजेक्ट कर दी एंड सेकेंड उन्होंने डाली थी यूनिवर्सिटी ऑफन में डेकन यूनिवर्सिटी में तो वहां से ऑफर निकला बट मुझे जी के लिए कभी कॉल नहीं आई तो अब जैसे टाइम निकलता जा रहा था गैप छह महीने का गैप तो ऑलरेडी आ चुका था तो उसके बाद वैसे ही सोचते सोचते तो एक दिन मतलब पापा के पास ही वीडियो आई सर के यूट्यूब के ऊपर तो वहाँ देखा फिर मैम को कॉल की सुझाता मैम को तो उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया देन मैं चंडीगढ़ आया तो फिर यहाँ सर से बात हुई मैम से बात हुई तो उन्होंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि इस टाइम पर आपकी जो प्रोफाइल है उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी कौन सी यूनिवर्सिटी के विजर्स आ रहे हैं और किस कैटेगरी के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी तो मैम ने अच्छे से कंसल्ट किया देन भी अपना टाइम एक-दो हफ्ते का जो भी था वो लिया देन गाइडेंस अच्छी थी फंड्स को कैसे अरेंज करना है मतलब तो जो हमारे पास फंड्स थे उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी और जो फंड्स के मैं तुम्हें रोकता हूँ जी सर तुम्हारे चाचा जी रियल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में और आपने हमें बताया कि किसी ने बताया कि आपने ये बताना नहीं है कि आपके चाचा जी वहां पे और हमने जब की उन्हीं से स्पॉन्सरशिप आपकी तो जैसे मेरे जो बड़े चाचू हैं वो मेलबर्न में सिटीजन है टू थाउजेंड इलेवन से तो जिस भी एजेंट को हमने बात बताई है कि ऐसे करके मेरे चाचू वहां पे है तो क्या हम उनको शो कर सकते हैं क्योंकि फादर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उनकी अगर आप एनुअल इनकम देखोगे और फिर ऑस्ट्रेलिया जो यूनिवर्सिटीज का और एम्बेसी क्राइटेरिया है उनको फिल फिल नहीं नहीं वो मतलब अकेले फिल नहीं कर पा रहे तो सभी से ही मतलब की कि चाचू को उसमें शो कर सकते हैं तो सभी ये बोलते थे कि उसका नेगेटिव इम्पेक्ट होगा कि आप वापस नहीं आओगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी उन्होंने रीजन दिए तो जब यहाँ पे जुपिटर में आए तो सर से बात हुई मैम ने भी कंसल्ट किया कि बहुत सारे और भी कई वन लोग मेरे पास आते हैं जिनके रिलेटिव है जैसे बच्चों के रियल चाचा जी मामा जी कोई भी है उनको हम एज एडिशनल स्पॉन्सर ले सकते हैं ये आपको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर हम आज डिक्लेयर नहीं करेंगे स्टूडेंट वीज़ा पे हो सकता है वीज़ा आ भी जाए बट कल को अगर बच्चे ने वहां पे स्टे बैक का ऑप्शन लेना है अगर बच्चे ने वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है तो वो फिर उस पे उस टाइम पे कैसे आप शो करोगे किस तरह से आप उसको जस्टिफाई करोगे कि भाई आपके आ, रियल अंकल वहां पे थे और आपने वहां पे बोला कि मेरा कोई भी वहां रहता नहीं है तो उस सिचुएशन देखो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि आज हमें वीज़ा लेके वहां जाना है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कल को बहुत सारी चीजें जो है वो स्टूडेंट ने करनी है स्टूडेंट से उसके जो स्टेटस है वो चेंज होना है तो वो उस टाइम पे दिक्कत ना आए इसलिए ये जो हवाएं उड़ती है ना अफवाहें ये नहीं कर रहा ये सब वो एजेंट है जिनको ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस का बिल्कुल भी नहीं पता हुआ ये कनाडा हर बंदा लग लगे करने जब कनाडा बंद हुआ अब ऑस्ट्रेलिया भी वही लग लगे करने पर प्रोसेस पता नहीं तो जो जिसके मन में आता है वो बोल के बच्चों को डराता है तो ऐसा बिल्कुल भी ये पुनीत के माध्यम से मैं बार बार इसलिए ये बता रहा हूँ कि अगर आपके रियल कोई रिलेटिव जो है क्लोज रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया रहते हैं उनको अगर आपने उनसे स्पॉन्सरशिप लेनी है पार्टली स्पॉन्सरशिप लेनी है ले सकते हो और उसको शो करने में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट फाइल पे नहीं पड़ता है हाँ जी तो फाइल कब लगी आपकी और प्रोसेस कितनी जल्दी हो गया सर प्रोसेस काफी फास्ट था फाइल लगने पे, बट फाइल लगने के बाद तो जो टाइम लेती है वो एम्बेसी लेती है तो मेरी फाइल लॉन्च हुई थी थर्टी अप्रैल ट्वेंटी को और मेरा वीजा आया है 16th 16th 2024 को। और सर जो प्रोसेस थी वो काफी थी, मतलब आ, मुझे इतने ज्यादा बर्डन फील नहीं हुआ क्योंकि गाइडेंस अच्छी थी एंड सेकंड थिंग अब मेरा वीजा जिस टाइम पीरियड पे आया है उस टाइम ऑस्ट्रेलिया को ऐसे देखा जा रहा है कि चीज वो है। सभी अगर थे। थे। को आप मतलब इस टाइम पे अप्रोच करते हो सिंपली जहां मेरा होम टाउन लाडवा है वहां पे आइल्स वगैरह के आप अप्रोक्स लगा लो कि हंड्रेड प्लस सेंटर्स है अगर इस टाइम पे आप वहाँ अप्रोच करोगे ऑस्ट्रेलिया के लिए बोल देंगे बट वो शोर्टी नहीं आपको इतनी ज्यादा देते अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है फिर भी वो डॉक्यूमेंटेशन

पुनीत को बहुत बहुत मुबारकें और भगवान करे इसकी जो जर्नी है ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी रहे और जो ड्रीम ये लेके जा रहा है वो सारे पूरे थैंक यू सो मच